दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपको भी ग्रुप डी एग्ज़ाम का इंतज़ार था तो दोस्तों आपका इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो बहुत जल्द दोस्तों जारी की जाने वाली है और वो आपके एडमिट कार्ड भी दोस्तों बहुत जल्द आने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीनियस में। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ग्रुप डी से संबंधित पल पल की न्यूज़ पाने के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट चैनल स्टडी फॉर जीनियस ही है। क्योंकि दोस्तों स्टडी फॉर जीनियस आपके लिए सबसे पहले और सबसे सटीक न्यूज सबसे पहले लेकर आता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम 2019 RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम एडमिट कार्ड जल्द। यहाँ दोस्तों जो इसके एडमिट कार्ड हैं वो बहुत जल्द आने वाले हैं। जाने PET परीक्षा की क्राइटेरिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं ये क्यों खबर निकल के सामने आ रही है, किस वेबसाइट से निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये खबर निकल कर आ रही है इन खबर से। जी हाँ दोस्तों, इन खबर वेबसाइट से ये खबर सामने निकल कर आ रही है। आप जाकर वहाँ पर इसे चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भर्ती निकली थी 1 लाख पदों पर ये भर्ती निकली थी ग्रुप डी की। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख पदों पर ये भर्ती निकली थी और जो आपका एग्जाम होना है वो दिसंबर में हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है दोस्तों भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से 1 लाख पदों पर भर्तियों के लिए लिखित एग्जाम दिसंबर में आयोजित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर आपके सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों न्यूज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पल पल की न्यूज़ पाने के लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए मेरे भाई। लिखित परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थी को PET एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। अधिक जानकारी अभ्यर्थी यहाँ देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा नीचे आता हूँ और पूरी जानकारी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं थोड़ा नीचे आता हूँ तो आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या लिखा गया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ग्रुप डी एग्जाम 15 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। 15 दिसंबर को दोस्तों जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम है वो करा दिया जाएगा, जबकि एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर दिसंबर के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। जहाँ दोस्तों जो आपका एडमिट कार्ड है वो दिसंबर के पहले सप्ताह में आपका जारी कर दिया जाएगा। RRB ग्रुप डी एग्जाम एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अभ्यर्थी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.RRBCDGGovernmentIN पर जाकर चेक कर सकेंगे। तो दोस्तों जो आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर साफ लिख दिया है वो दोस्तों 15 दिसंबर से पहले ही आयोजित किया जाएगा, मतलब कि जो दिसंबर है उसके पहले हफ्ता में उसका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा और आपकी जो परीक्षा है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों इसकी जो परीक्षा होने वाली है वो लगभग 1 महीने चलने वाली है। जी दोस्तों, आप सभी को पता है कम से कम 1 करोड़ के समथिंग फॉर्म भरे गए हैं और दोस्तों जो भर्ती बोर्ड के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि जो आपकी परीक्षा है वो कम से कम 1 महीने के अंतर तो हो ही सकती है। जी दोस्तों, आपकी जो परीक्षा है कम से कम 1 महीने तो चलने ही वाली है, तो आपको अपना जो टारगेट है उसे 1 महीने के अंदर ही लेकर चलना है। अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की है तो तैयारी में लग जाइए मेरे भाई, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। दोस्तों आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि RRB ग्रुप डी एग्जाम एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी। या दोस्तों अगर आपके पास अपना जो वो फॉर्म नहीं है जो आपने फॉर्म फिलिप करवाते समय दोस्तों भरा था, तो आप उस फॉर्म को ढूंढ लीजिए मेरे भाई, क्योंकि आपके पास अब बहुत कम समय बचा है। फिर दोस्तों जब आप जो बिल्कुल जब आपका एडमिट कार्ड सामने आ जाता है तब उस फॉर्म को आप ढूंढने लगते हैं जिससे वो आपको मिल नहीं पाता है। तो सबसे पहले आप उसको ढूंढ कर अपने पास रख लीजिए। जहाँ दोस्तों अगर आपके पास नहीं है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप अपने फ़ोन में भी चेक कर सकते हैं या आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे चेक कर सकते हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों उसमें। हालांकि भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा RRB ग्रुप डी एग्जाम एडमिट कार्ड जारी करने से लेकर को लेकर किसी भी निर्धारित तिथि का ऐलान नहीं किया गया है। जहाँ दोस्तों अभी तक कोई तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है।
आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को सलाह है कि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट समय समय पर चेक करते रहें ताकि कोई महत्वपूर्ण सूचना न छूट पाए। दोस्तों तो आपकी जो सूचना है सबसे पहले आपको यहाँ मिल जाएगी, तो समय समय पर आप हमारी वीडियो को चेक करते रहें। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आपके सामने इस वीडियो को लेकर आते हैं और आपके लेकर आपके सामने ग्रुप डी से रिलेटेड सारे न्यूज़ बिल्कुल प्रोवाइड करा देते हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा नीचे आते हैं और इसमें क्या लिखा गया है इसको भी पढ़ लेते हैं। भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी की तरफ से इस भर्ती के जरिए कुल 1 लाख पदों पर नियुक्तियाँ की जाएंगी। ये नियुक्तियाँ लिखित टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद की जाएंगी। चयन प्रक्रिया से जुड़ी अधिक जानकारी अभ्यर्थी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी जानकारी विस्तार में दी गई है। दोस्तों ये थी आज की आपकी सारी न्यूज़। दोस्तों अब फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं कि फिजिकल में इसमें क्या होने वाला है। दोस्तों फिजिकल है आरआरबी ग्रुप डी फिजिकल पीटी टेस्ट में पुरुष अभ्यर्थियों को 35 किलोग्राम वजन लेकर 100 मीटर तक दौड़ना पड़ेगा। जी दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि फिजिकल में क्या होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 35 किलोग्राम वजन उठाना है, उसे 100 मीटर तक दौड़ना है। आरआरबी ग्रुप डी पीटी एग्जाम में पुरुष अभ्यर्थी को 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना होगा। जी दोस्तों इसके अलावा तो आपको ये 100 मीटर जो 100 मीटर दौड़ना ही है 35 किलो वजन उठाकर, उसके अलावा आपको 1000 मीटर भी दौड़ना है 5 मिनट 15 सेकंड में। तो दोस्तों आपकी फिजिकल मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल में आपको क्या क्या होने वाला है फिजिकल टेस्ट में। तो दोस्तों आपको सारा न्यूज इस चैनल पर मिल जाएगा, तो सबसे पहले भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दोस्तों यही वो यूट्यूब पर चैनल है जो आपके सामने बिल्कुल रियल न्यूज़ प्रोवाइड कराता है। कोई दोस्तों आपके सामने फर्जी खबर नहीं लेकर आता है मेरे भाई, जो भी दोस्तों आपके सामने बिल्कुल रियल न्यूज़ होती है उसी को आपके सामने लेकर आता है, कोई बिल्कुल फेक न्यूज़ आपके सामने नहीं लेकर आता है। तो मेरे भाई सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।